ने हर जीव जंतु को अपनी सुरक्षा के साधन दिए हैं। किसी को जहरीला डंक, किसी को तेज दांत, पंजे, सींग, यहाँ तक कि नाजुक फूल को भी कांटों का हथियार दिया। मगर हम इंसानों को मिला सबसे खतरनाक हथियार, दिमाग। हमने प्रकृति के जीव जंतुओं से सीखा और अपनी सुरक्षा के हथियार बनाए और सीखी युद्ध कला यानी मार्शल आर्ट। भारत में भी ऐसी कई युद्ध कलाओं का जन्म हुआ। मैं मानसी राज इंडिया के इन्हीं मार्शल आर्ट्स के बारे में जानने निकली हूँ। मैं जयपुर एक ऐसी युद्ध कला के बारे में जानने आई हूँ जो आम आदमी की युद्ध कला रही है। श्री बलवन व्यायामशाला जयपुर में लाठी खेल का प्रशिक्षण कई पीढ़ियों से दिया जा रहा है। लाठी शब्द लठ से बना है, जिसका नाम सुनकर ही कठोरता का आभास होता है। भारत का यह सबसे प्राचीन और प्रचलित हथियार है, लेकिन आसानी से मिल जाने वाले इस हथियार को चलाना उतना भी आसान नहीं है। लाठी को चलाने के लिए उतनी ही तेजी और फुर्ती की जरूरत पड़ती है जितना किसी भी हथियार को चलाने के लिए। लाठी कहने के बाद आपने सामने एक अच्छा तगड़ा जवान शूर मर्द याद आता है, जिसके हाथ में लठ है, लाठी है। वो लाठी के सहारे वो उसका पहला उद्देश्य होता है वो संरक्षण करता है, खुद का रक्षण करता है। बाद में अगर समय आया तो दुश्मन अगर भारी निकला तो वो आक्रमण करने के लिए उसके उपयोग होता है। इसके अगर इतिहास देखा जाए, जब मानव की उत्क्रांति हुई, जब मानव शुरू शुरू में जंगल में रहा करता था, उस समय उनको शिकार के लिए दो टोलियों में युद्ध हुआ करते थे। उसके अंदर मानव ने जो प्रगति में उत्क्रांति जो हुई, उसके अंदर सबसे पहले मानव ने खुद की संवारक शक्ति बढ़ाने के लिए, पहले तो उन्होंने भगवान ने दी हुई मसल जो होते हैं उनके स्नायु का ताकत तो किया उनके पास, लेकिन उनके ध्यान में आ गया कि दुश्मन को अगर हराना है तो अपने हाथ में अगर किसी चीज का सहारा लिया तो उसकी संवारकता बढ़ती है। तो उन्होंने उस समय सबसे पहले पत्थर का उपयोग किया जिसके हाथ से ताकत बढ़ी। बाद में उन्होंने लकड़ी का उपयोग किया जिसकी वजह से हाथ में लकड़ी लेने से उसकी संवारकता बढ़ी। अगर दुश्मन साथ में पास में आने के पहले अपने हाथ अगर लकड़ी हो, अगर वो लकड़ी लंबी हो तो दूर से ही दुश्मन को मार सकते हैं। तो सबसे पहले जमाने में पेड़ों के वो बड़े बड़े लंबे डालियां वो लेके उसका लाठी का उपयोग किया था। उसके बाद में आधुनिक जमाने में जो बांस होता है, बांस का उपयोग किया गया था, लठ कहते हैं, उसका उपयोग किया। बाद में बाद जब धातु का उपयोग हुआ, मेटल जो आए तो उसके शस्त्र बने, लेकिन उसके पहले लाठी का ही उपयोग होता था। लाठी खेल सभी मार्शल आर्ट्स का प्रारंभिक चरण है। बहुत से ऐसे हथियार होते हैं जिन्हें चलाने से पहले लाठी का अभ्यास कराया जाता है। सामान्यतः एक बांस होता है जो पतला और कठोर होता है, जिसे तोड़ना कठिन होता है। सामान्यतः लाठी की लंबाई एक अभ्यासकर्ता के कान से लेके सिर के बीच की होती है, वह भी स्वयं के निर्णय के अनुसार, जिसे घुमाने में आसानी हो सके। एक निपुण अभ्यासकर्ता के हाथ में जब लाठी आ जाती है तो वह एक घातक हथियार बन जाती है। अगर वो लाठी से किसी का वार करता है तो सामान्य आदमी की मौत या उसे गहरी से गहरी चोट लग सकती है। लाठी के कई उसके उपयोग और कोई प्रकार हुआ करते, जैसे लाठी को अगर आगे अगर एक कोई शूल लगाया उसका भाला हुआ करता था। शिवजी के हाथ में त्रिशूल था, वो लाठी का ही प्रकार है। वैसे सांग जो ऊपर से नीचे तक लोखंडी भाला हुआ करता था, वो भाला है। पहले जमाने में चक्र हुआ करते थे, जैसे सुदर्शन का चक्र जो मूल है उसके आधार पे एक चक्र गोल फिरता हुआ करता था। वो चक्र के चारों बाजू में हथियार छोटे छोटे लगाए रहते थे, वो चक्र घुमाने के बाद तो उसके आसपास कोई आता नहीं था। की हिंदी मूवीज में अक्सर हीरो और विलन को लाठी से लड़ते हुए दिखाया जाता था। आज भी भारत के कई प्रांतों में लाठी को एक खेल की तरह जाना जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आज भी लाठी खेल की प्रतियोगिता आयोजित होती है। शस्त्र कोई भी हो,
टोकदार हो या कुल्हाड़ी हो, उसका मुख्य तत्व हुआ करता था लाठी चलने का तरीका। लाठी चलने का तरीका एक बार साफ हो गया, लाठी चलानी आ गई, आत्मविश्वास आ गया, ताकत बढ़ गई, अगर वो उसका फिर वो हाथ में कोई भी शस्त्र लेके आगे जाता था। यानी कोई भी युद्ध हो, कोई भी शस्त्र हो, चलाने के पहले लाठी पहले परिपूर्ण आना चाहिए। मूलतः लाठी ये एक कला है, चलाने का तरीका है, जो आत्मसात अच्छी तरह से करेगा वो यशस्वी हो जाएगा। उसके बाद ये एक शास्त्र है, शस्त्र शास्त्र है, ये युद्ध शास्त्र है। राजा राजवाड़ों के घर में उनके वो तालीम सिखाने वाले, कुश्ती सिखाने वाले वस्ताद हुआ करते थे, मास्टर हुआ करते थे, वो भी लाठी सिखाते थे। लाठी चलाने वाले को लठैत कहा जाने लगा। लठैत नाम सुनकर एक अजीब से डर का आभास होता है, क्योंकि एक समय था जहाँ पे जमींदारों और ठाकुरों के यहाँ पे लठैत रखे जाते थे, जो वहाँ की आम जनता से कर या लगान वसूल करते थे। लेकिन लाठी की खोज इस काम के लिए नहीं हुई थी, वो तो अपनी सुरक्षा के लिए हुई थी। ये लाठी का जो अपन खेल कहते हैं, इस खेल के पीछे भी बहुत अच्छा शास्त्र है, शस्त्र चलाने की ये विद्या है। इसका लिखित जो मान पत्र, जिसका जो रिकॉर्ड मिलता है, वो करीब करीब आज से 5,000 साल पहले, 4,000 साल पहले जो जिस जमाने में महाभारत और रामायण हुआ, उसके बाद जो युद्ध हुए भारत में, उसके बाद करीब करीब बौद्ध काल, जैन काल और आधुनिक प्राचीन इतिहास में इसके उल्लेख मिलते हैं। जैसे कि तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय में इसके ऊपर ऋषि मुनि ने लिखे हुए कई सारे, वहाँ पर उनके ऊपर श्लोक लिखे हुए हैं। अग्नि पुराण या ऐसे पुराणों में उसके उल्लेख आए हैं। तो उसका अपना 12वीं-13वीं शती में वराह मीर ने उसके ऊपर बहुत ही अच्छा खड़ग परीक्षा करके एक शास्त्र लिखा हुआ है। लाठी खेल अन्य मार्शल आर्ट्स की तरह नहीं है, इसका एक अपना आध्यात्मिक महत्व भी है। क्योंकि लाठी खेल मार्शल आर्ट्स की आधारशिला है, इसलिए इसे सीखने के लिए एकाग्रता की बहुत जरूरत होती है, और यही एकाग्रता योग का भी महत्व रखती है। लाठी मार्शल आर्ट व्यक्ति की एकाग्रता को बढ़ाकर उसके शरीर में ऊर्जा का संचार करता है, जिससे व्यक्ति के आंतरिक विचारों को आध्यात्मिक बल मिलता है। सामान्य आदमी के हाथ एक बार लाठी आ गई, उसने लाठी चलाने की कला अगर आत्मसात करके पूरा सीख ली, उसके अंदर वो पूरा तैयार हो गया, उसके बाद वो योद्धा बन जाता है। उसके अंदर एक आध्यात्मिक ताकत ऐसी आ जाती है कि वो मैदान पे, रणांगण पे कितना भी घंटे क्यों ना लड़ाई करे, दुश्मन को मारे बगैर वो चुप नहीं रहेगा। कहाँ से आती है ताकत उसे? वो एक वीर बन जाता है, देश के लिए प्राण देने के लिए वो उसको कुछ समझता नहीं। उसका खेलते समय अगर पाँव भी काटा तो उसको दुख होगा नहीं उसको। लेकिन दूसरे मार्शल आर्ट्स की तरह लाठी खेल भी खतरनाक है। लाठी को चलाने के कई तरीके हैं, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप लाठी को बचाव के लिए चला रहे हैं कि आक्रमण के लिए। आईने अकबरी में अबुल फजल ने लिख के रखा है कि उनके सैनिकों में एक ऐसा गुट हुआ करता था जैसे लकरायत करते थे, तो वो खासियत थी उनकी कि वो लाठी चलाने में तंदे थे, माहिर थे, उन्होंने युद्ध जीत के दिखाए। वैसे ही राजस्थान में राजा गंगा सिंह 1888 में बीकानेर के राजा थे, उनके पास भी लठैत नाम की अलग टोली हुआ करती थी जो युद्ध में अच्छी तरह से लठैत चलाते थे। वैसे महाराष्ट्र में कुछ लोग ऐसे थे लाठी चलाने में, या लाठी का एक उपयोग हुआ करता था भाला युद्ध में। सबसे पहले वो युद्ध के फॉर्मेशन के अंदर शुरू में कुछ लोग लाठी यानी भाला चलाते थे, भाले की तरह और लाठी की तरह भी चलाकर ये युद्ध हुआ करते थे। ऐसे भारत में अलग 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 जगह पे अलग अलग तरीके हैं, और जहाँ जितने भी राज थे, जैसे राजस्थान में जो अपन कहेंगे राजपूत कहेंगे, क्षत्रिय कहेंगे, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, चित्तौड़, मेवाड़, तो इसमें जो फर्क है, थोड़ा 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 फर्क ये चलाने की वजह से ही है। भारत में लाठी मार्शल आर्ट 17 सेंचुरी में तब विकसित हुई जब उड़ीसा और बंगाल की बागडोर मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दी। ये वो दौर था जब जमींदारी सिस्टम की शुरुआत हो रही थी। इसी तरह ये लठैत का महिमा, लाठी का महिमा बहुत ही बड़ा है। पुराने इतिहास से लेकर, मध्ययुगीन इतिहास से लेकर आधुनिक इतिहास तक, जैसे ब्रिटिश लोगों ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदार के सामने अपना कर
महसूल वसूल करने के लिए लठैत की एक गुट सामने रख के उनकी तरफ से दबाव करा के वो कर वसूल किया करते थे। वैसे ही अगले कुछ उसी जमाने में कुछ जमींदार लोग भी जमींदारी में अपने पास लठ का बड़ा गुट रखते थे और उसका उपयोग करके अपना वो कारोबार चला करते। इसका वो महत्व है। जहाँ एक और लाठी मार्शल आर्ट जमींदारों की जमींदारी के अधीन हो रहा था, वहीं दूसरी ओर लाठी एक खेल यानी स्पोर्ट की श्रेणी में शामिल होने लगी। भारत के कई गांवों में लठैतों की प्रतियोगिता होती थी और लाठी एक स्पोर्ट की तरह उभरने लगा। कुछ स्थानों पर लाठी के एक सिरे पर धातु भी जड़ दिया जाता है। लाठी का प्रकार उसके स्थान और परिवेश के अनुसार होता है। लाठी को तलवार के जैसे भी चलाया जा सकता है। अच्छी लाठी बनाने के लिए हम लोग एक हरे बांस को 6 महीने से लेकर साल भर तक के बीच में तेल में डुबोकर रखते हैं, जिससे लाठी में लचक बनती है और वो एक खतरनाक हथियार का रूप ले लेती है। लाठी के कई प्रकार के मूवमेंट होते हैं जो उसकी उपयोगिता पर निर्भर करते हैं। लाठी का बचाव करने का अलग तरीका है और आक्रमण करने का अलग तरीका है। जैसे चील, पायरा, कूट, वंचिका, ये बचाव और आक्रमण दोनों में प्रयोग लिया जाता है। कई लोगों को हम लाठी को दोनों हाथ से चलाना भी सिखाया जाता है, जिससे कि वो शत्रु को चारों दिशाओं में भ्रमित कर सके। राजपूत जो लाठी पकड़ते थे उसकी पकड़ थी आकाश की तरफ, उनका नोक हुआ करता था। लाठी पकड़ने के बाद वो योद्धा रणभूमि पे कैसे खड़ा रहेगा, खड़ा रहने का तरीका इसके ऊपर भी विचार किया गया। जैसे पवित्रा कहते हैं, यानी खेलते समय आगे पीछे होने के लिए पाव चलाने का तंत्र हुआ करता था पवित्रा। उसी आधार पे वो एक जगह पे होके, नहीं तो पाव लंबा करके, नहीं तो पूर्व पश्चिम चलाते थे, नहीं तो अगर दुश्मन ज़्यादा हो तो पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर चार ही बाजू में वो लाठी चलाकर मध्य पे आके खड़ा रहते थे, जिसे चार घरी पवित्रा बोलते हैं। एक निपुण लाठीबाज एक समय में एक ही लाठी से कई लोगों से लड़ने में सक्षम होता है। भारत में लाठी का चलन कई तरह से होता है। लाठी एक हथियार तो है ही, पर इसका नाता रीति रिवाजों से भी है। मथुरा के पास एक गांव है बरसाना, जहां एक विशेष प्रकार की होली खेली जाती है, लठ मार होली। इस होली में युवतियां युवकों को लाठी से पीटती है और युवक अपने आप को ढाल से बचाते हैं। शेष गांव उन पर रंग बरसाता है। लाठी का ऐसा उपयोग बड़ा रोचक है। गांव में एक एक तरीके का लाठी का एक खेल चलता था। ऐसे ये अपने पारंपरिक पद्धति से ये लाठी अभी चलती आ रही है। शादी में, शादी की बारात निकलते उस समय, या गांव में कोई यात्रा जत्रा हो, या गांव में कोई बड़ा अगर प्रोग्राम हो, उस प्रोग्राम में लाठी हमेशा सामने हुआ करती थी। जैसे कि पहले जमाने में जंगल में जाया करते थे, बड़े रास्ते नहीं थे, उस समय गुंडे लोग जब उनको लूटते थे, उस समय एक लठ का गुट हुआ करता था जो उनका संरक्षण करता था। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश रूलर्स ने लाठी खेल को गांव में बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया था। उन्हें इस बात का डर हो गया था कि कहीं लाठी खेल की आड़ में क्रांतिकारियों की बड़ी फौज ना बन जाए, जिसका सामना करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 1939 में ब्रिटिशों ने शस्त्र बंदी का कायदा लाया और जो राजा थे उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, हैदराबाद, इन्हीं राजाओं को हथियार निकाल दिए गए, शस्त्र बंदी कर दी गई और वो ब्रिटिशों ने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी कि भारतीय लोग शस्त्र या लाठी नहीं उपयोग करेंगे। अब देखिए ये लाठी का करिश्मा, पूरे देश भर, जग भर राज्य करने वाले ब्रिटिश लोग जो भारत में थे,
जिनको लोग हैरान हुआ करते थे। और स्वातंत्र्य मिलाने के लिए क्रांतिकारकों ने जो भी काम किए उसके अंदर लाठी का महत्व बहुत ही बड़ा है। जैसे मई 1895 में लोकमान्य तिलक जी ने बहुत सोचकर गणेशोत्सव सार्वजनिक किया और शिव जयंती सार्वजनिक करके लोगों को जमा किया और उनके जुलूस निकाले। उस जुलूस के अंदर और वो गणेशोत्सव के अंदर भी लाठी चलाने के अखाड़े तैयार किए। जिस लाठी अखाड़े के खेलने वाले सैनिकों ने ये ब्रिटिशों को हैरान करके रखा था। पूरे क्रांति 20वीं सदी में पूरे क्रांतिकारकों ने लाठी के सहारे ये ब्रिटिश लोगों को हैरान करके रखा था। जैसे कि सरला देवी 1902 में जो बंगाल से है, उन्होंने अपना एक लाठी वालों का गुट, लठेत का गुट बना के ब्रिटिश लोगों को हैरान करके उनके सामने ये क्रांति की थी। ब्रिटिशों ने भारतीयों के खिलाफ, सैनिकों के खिलाफ, क्रांतिकारियों के खिलाफ लाठी चार्ज करके बहुत ही उनके ऊपर अन्याय और क्रूर जुल्म किया था। लाठी चार्ज का एक ऐसा ही हादसा 1928 में हुआ था। साइमन कमीशन के खिलाफ लाला लाजपत राय ने अहिंसात्मक आंदोलन किया था, पर ब्रिटिश शासकों के आदेश पर पुलिस द्वारा एक बड़े जन समूह पर लाठी चार्ज किया गया था। लाठी चार्ज की वजह से लाला लाजपत राय उनका अपना प्राण बलिदान करना पड़ा लाठी चार्ज की वजह से, और वो लाठी का इतना भी दुरुपयोग हुआ है अपने खिलाफ। लेकिन उसका बदला बाद में भगत सिंह ने उनको ब्रिटिश गवर्नर को मार के उसका बदला लिया था। लाठी चार्ज आज भी भारतीय पुलिस की डिक्शनरी में शामिल है। आज भी दंगों और अनावश्यक गतिविधियों में लाठी चार्ज का प्रयोग होता है। सन 1947 में देश आजादी के बाद जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई। ब्रिटिश राज सरकार में लाठी खेल को प्रतिबंधित कर दिया गया था, जो भारत देश आज़ादी के बाद वापस लाठी खेल को नया स्थान मिला। आज भी राजस्थानी लोक कला श्रेणी में लाठी को प्राथमिकता मिली हुई है। आज भी हम राजस्थान में लोक नृत्य संगीत में इसकी झलकियाँ देखने को मिलती है। भारत के कई राज्यों में आज भी लाठी को अलग अलग विधाओं से अलग अलग दिखाया जाता है। किसी समय लाठी के जोर पर बड़े बड़े राज्यों को जिताने वाले लठैतों की फौज का समय के साथ अंत हो गया। ये लाठी की कला लोप होते जा रही है, बहुत दुख की बात है। लगता है कि ये कला कैसे ऊपर आए, इसको क्यों मान्यता नहीं मिली। इसके अपना ये भारतीय और जो खेल है, वीरता का मूल लाठी काठी, ये कालबाह होते जा रहा है। इसको पुनर्जीवन होकर इसको एक मान्यता और एक मान सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन आज भी लाठी खेल भारत के ग्राम प्रदेशों का प्रमुख हिस्सा होने के कारण भारत की ऐतिहासिकता का आईना बना हुआ है। Share, subscribe, and click on the bell icon to never miss an update from Epic.